नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं बनाने वाली हूँ धनिया की पंजीरी। जैसे कि आपको पता है कि जन्माष्टमी के दिन धनिया की पंजीरी का प्रसाद जरूर चढ़ाया जाता है, तो देख लेते हैं इसकी रेसिपी। तो पंजीरी बनाने के लिए हाफ कप घी लिया है, एक कप मैंने लिए हैं कटे हुए फूल मखाने, एक कप लिया है साबुत धनिया, हाफ कप पाउडर शुगर और कुछ मिक्स फ्रूट लिए हैं, और गार्निश के लिए मैंने ले ली है रोज पेटल्स। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई में 1/4 कप घी गर्म कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे धनिया और इसे हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने से क्या होगा, इसका जो फ्लेवर है वो काफ़ी अच्छा बन के आएगा। और अगर आपके पास साबुत धनिया नहीं मिल रहा है तो आप मार्केट से पाउडर जो धनिया पाउडर आता है वो ले सकते हैं, पर उसे भी आपको इसी तरह घी में रोस्ट करना होगा। तो ये इसका जो मैं पाउडर घर पर ही बनाकर रेडी करूँगी, इसी तरह से इसे लगातार आपने जब तक ये हल्का ब्राउन ना हो जाए इसे अच्छे से पकाते रहें। अब मैं सेम कढ़ाई में एक चम्मच घी ले रही हूँ और कटे हुए फूल मखाने ले रही हूँ। इन्हें भी हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, क्योंकि रोस्ट करने से इसका जो क्रंचीनेस है काफ़ी अच्छा बढ़ जाएगा। इसी तरह फूल मखाने भी हमें रोस्ट कर लेने हैं सारे। अब मैं ड्राई फ्रूट ले रही हूँ, ड्राई फ्रूट को मैं यहाँ पे सिर्फ ड्राई रोस्ट ही करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी हल्का सा घी इसमें है और जो बाकी ड्राई फ्रूट ऑयल रिलीज करते हैं उससे इसका न्यूट्रिशन लेवल काफ़ी बढ़ जाता है। तो मैं इसे ड्राई रोस्ट ही करूँगी और इन्हें बारीक काट कर अलग रखूँगी। अब जो हमने रोस्ट किया हुआ धनिया, जो साबुत धनिया हमने लिया था, उसे हम मिक्सी में अच्छे से इसका पाउडर बना लेंगे। अब ये पाउडर मैं फिर से हल्का सा भून लूँगी बिना किसी घी के, क्योंकि घी हम पहले ही यूज़ कर चुके हैं। इसी तरह से हल्का सा भूनिए, बहुत ज़्यादा नहीं रोस्ट करना है क्योंकि हम रोस्ट कर चुके हैं पहले। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी किशमिश और थोड़ी सी चिरौंजी, इन्हें भी ज़्यादा देर तक ना चलाएं। और इसके बाद में मैंने डाल दिए हैं रोस्ट किए हुए फूल मखाने। तो सारी चीज़ें इसी तरह से ही इसमें मिक्स करनी है हमें। अब हमें फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसी तरह से मिक्स करके एक साइड में ठंडा होने के लिए रख देंगे। जैसे ये ठंडा होगा हम इसमें हमारी पाउडर शुगर जो है वो ऐड कर देंगे। तो जब एकदम ठंडा हो जाए तभी आप शुगर ऐड करनी है। शुगर अगर आप पहले ऐड कर देंगे तो ये बहुत ज़्यादा चिपचिपी बन जाएगी और ये हार्ड भी हो सकती है। अब आप देख रहे हैं कि काफ़ी मोटे फॉर्म में लग रहा है हमारी पंजीरी जो है, इसे मैं फिर से एक बार मिक्सी में हल्का सा चला लूँगी। एकदम दलदला हमें इसे पीसना है, बहुत बारीक ना करें। एक बार पीसने के बाद आप रिजल्ट देख सकते हैं। इसी तरह की धनिया पंजीरी आप भी बनाइए और हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। तो आप गार्निश कर सकते हैं इसे ड्राई फ्रूट्स के साथ, नहीं तो आप पेटल्स के साथ भी इसे गार्निश कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोनपाल की रसोई में, और आज हम बनाने वाले हैं फूल मखानों की कतली। हाँ जी, यहाँ पे हम काजू कतली नहीं बनाएंगे, हम यहाँ बनाएंगे फूल मखाने, जिन्हें की लोटस सीड्स भी कहते हैं और फॉक्स लेग भी कहते हैं, उनकी यहाँ पे कतली बनाने वाले हैं। तो ये देख रहे हैं कि एकदम कतली जैसे कतली बनती है, बस वैसे ही शेप में हमने इसे कट किया है और एकदम सॉफ्ट कतली बनी है। एक बार मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ जिस तरह से ये कतली बनाई है हमने। तो इसकी रेसिपी भी देख लेते हैं कि हमने क्या क्या इसमें इन्ग्रीडियंट्स यूज़ किए हैं। तो ये यहाँ पे मैंने लिया है फूल मखाने, ये करीब 2 कप है। तो आप मेजरमेंट जैसे आप एक कटोरी ले रही हैं उसके हिसाब से ले सकते हैं, 2 कप या 2 कटोरी। यहाँ पे 3 चम्मच मैंने खाने वाले चम्मच जो है वो घी ले लिया है, देसी घी लिया है मैंने यहाँ पे, गाय का, आप कोई भी घी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इन्हें रोस्ट कर लेंगे, बस इतना ही घी हम इसमें यूज़ करेंगे और पूरी बर्फी जब तक बनेगी हम इसमें बिल्कुल भी और घी नहीं मिलाएंगे। बस यही जो घी इसमें डाला है बस इसी से ही हम सारी बर्फी बनाकर तैयार करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि फूल मखाने के कितने फायदे हैं, कितना कैल्शियम होता है, विटामिन ई होता है और काफ़ी प्रोटीन भी होता है। तो बहुत ही हेल्दी रेसिपी है ये, बहुत ही सभी को पसंद भी आने वाली है। आप देख लें, बहुत जल्दी भी बन जाएगी। बस इसी तरह से इन्हें रोस्ट कर लें। आप एक बार देख लें कि हल्के ब्राउन होने लगे हैं, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है इन्हें, इनका कलर चेंज नहीं करना है। हल्का आपको लगे कि हल्के रोस्ट हो चुके हैं घी में, तो बस इन्हें निकाल दें। फिर मैंने यहाँ पे लिया है डेसिकेटेड कोकोनट, ये मैंने लिया है करीब 1/2 कप, और इसे भी हम हल्का सा इसी तरह चला लेंगे, हल्का सा, बहुत ज़्यादा गर्म ना करें नहीं तो ये कोकोनट जल सकता है। तो इसे एकदम ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा हमें सिम आँच पर इसी तरह हल्का सा इसे रोस्ट करना है। तो ये जो खोपरा मैंने यूज़ किया है, खोपरे का बुरादा, ये मैंने घर पर ही बनाकर तैयार किया है। तो इसके लिए मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी कि आप खोपरे का बुरादा किस तरह से घर पर बना सकते हैं, जिसे डेसिकेटेड कोकोनट भी बोलते हैं। तो इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिए, फिर मैं आपको जरूर बताऊंगी कि किस तरह से आप घर पर बना सकते हैं। नहीं तो आप मार्केट से भी ला के रख सकते हैं, बट वो ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता, ये ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो इन दोनों चीज़ों को हमने ठंडा कर लिया है, और इस तरह एक बार आप फूल मखाने को तोड़कर देख लें कि अगर ये इस तरह से क्रंची है और इस तरह से टूट रहे हैं आसानी से, तो इसका मतलब ये अच्छे से भून चुके हैं, अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। फिर हम इन्हें मिक्सी में इसका मैंने इसे बारीक पाउडर बना लिया है, और ये पाउडर आपने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, हल्का सा दरदरा करें ताकि इसका टेस्ट जो बर्फी में आएगा वो काफ़ी अच्छा लगेगा। और इसमें मैं डाल रही हूँ जो हमने खोपरे का बुरादा जो था उसे रोस्ट किया था, और इलायची पाउडर डाल रही हूँ, और इसे सारा एक साथ कर लें, सारा इस तरह से मिक्स कर लें। तो चाशनी के लिए हम यहाँ पे ले रहे हैं, हमें चाशनी जो बनाएंगे वो 3/4 कप मैंने यहाँ पे शुगर ली है और 1/2 कप मैंने इसमें पानी डाला है। तो जो भी मेजरमेंट, जैसे आप कटोरी ले रही हैं या कप ले रही हैं, बस उसी हिसाब से ही आपको इसका नाप सही में रखना है।
अब हम यहाँ पे जो चाशनी बनाएंगे बहुत ज्यादा गाढ़ी नहीं बनाएंगे, जैसे कि हनी की कंसिस्टेंसी होती है बस उसी तरह की हम चाशनी यहाँ पे बनाकर तैयार करेंगे। आप देख रही हैं बहुत ज्यादा गाढ़ी ना हुई है, एक तरह की चाशनी यहाँ पे नहीं बनाएंगे हम, क्योंकि उससे क्या होगा जब हम बर्फी को चलाएंगे तो भी ये जा साथ साथ में गाढ़ी होती रहती है, तो बस इसी तरह से चलाएं और बहुत ज्यादा गाढ़ा ना करें। तो आप देख रहे हैं जैसे इसमें हल्की हल्की झाग आने लगी है, बस इसी तरह से एक बार आप देख लें कि बस इतनी ही गाढ़ी आपको चाशनी बनानी है, इससे ज्यादा गाढ़ी चाशनी ना बनाएं। अब आप आंच को यहाँ पे धीरे कर लें और ये जो हमने पाउडर बनाया था फूल मखाने का, बस वो इसमें हमें मिक्स कर देना है। अगर आपको इस समय पे लग रहा है थोड़ा सा घी और डालना है तो आप डाल सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे और घी नहीं डाला है, बस यही इसी जो हमने घी फूल मखाने में डाला था बस वही हमने घी यूज किया है। तो इसी तरह से थोड़ा सा चला लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम इसे सारा रोस्ट कर चुके हैं पहले से ही, तो हम इसे ज्यादा देर नहीं चलाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा चिपक रहा है नीचे तो आप थोड़ा सा घी डाल सकते हैं, नहीं तो बस इसे थोड़ी देर ही चलाएं, और ये भी आपको स्लो और मीडियम फ्लेम है उसी पर ही रखना है। तो आप देख रहे हैं बस इसी तरह से बनाकर अब बर्फी बनकर तैयार है, और आपको कोई भी प्लेट या फिर थाली ग्रीस कर ले घी से पहले, और उसके बाद में जो हमने ये बर्फी बनाई है इसे जल्दी से सेट कर दें, क्योंकि अगर एक बार ठंडी हो जाएगी तो ये सेट नहीं हो पाएगी। और अगर आपको लग रहा है कि आप सेट नहीं कर पा रहे हैं इसे, तो आप इसे धीरे धीरे आप एक स्पून ले लें या फिर एक कटोरी का पिछला हिस्सा मैंने यहाँ पे उससे इसे एकदम एक समान कर लिया है। और अगर आपको लग रहा है कि चिपक रहा है तो थोड़ा सा घी लगाएं, थोड़ा सा कटोरी को ब्रश करें घी से और इसे चारों तरफ इसी तरह घुमा लें। तो देख रहे हैं इसे सारा एक समान कर लेना है, एक शेप बनानी है हमें, ताकि हमारी कटलियाँ अच्छे से कटकर तैयार हो जाए। आप देख रहे हैं बस इसी तरह। अब इसमें आप चाहें तो इसे किसी चीज़ से भी गार्निश कर सकते हैं, मैं यहाँ पे चांदी का वर्क लगा रही हूँ। आपके पास अगर किसी ड्राई फ्रूट से गार्निश करना है आप उससे भी गार्निश कर सकते हैं। तो देख रहे हैं कटली बनकर एकदम तैयार है। बस इसी तरह की रेसिपीज अगर आप देखना चाहते हैं हमारे चैनल पे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में, और हमें जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि आपको खोपरे का बुरादा कैसे बनाना है। तो ये एक गट आता है, या फिर खोपरा आप आधे कटे हुए भी आते हैं वो ये ले सकते हैं, और इनका जो ऊपर वाला छिलका है बस वो उतार दें। थोड़ा सा हार्ड होगा बट जब इसका टेस्ट जो आता है वो काफी अच्छा रहता है बर्फी में, या फिर आप कोई भी चीज़ में यूज करते हैं मार्केट से ज्यादा अच्छा रहता है ये, क्योंकि मार्केट में आपको पता नहीं है कि कब से बुरादा जो है काफी टाइम से पड़ा रहता है। आप यहाँ पे फ्रेश क्रिएट करके और फ्रेश अपना डेसिकेटेड कोकोनट का पाउडर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए अच्छे से मैंने इसकी पूरी इसे छिल लिया है, और छोटा जो ग्रेटर का साइज है बस उसी से ही आपको इसे ग्रेट करना है। इसी तरह साइज का आप ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा बड़े चंक्स ना हो, छोटे चंक्स हो, क्योंकि बर्फी में इससे बड़े चंक्स अच्छे नहीं लगेंगे। तो आप देख रहे हैं साइज इतना ही हमने रखा है। आप चाहें तो इससे छोटा जो ग्रेटर जो आता है उससे भी आप इसे ग्रेट कर सकते हैं। बस इसी तरह इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है अच्छे से। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, आप भी हमें जरूर बताइए कि आपने ये बर्फी बनाई और आपको हमारे जो ट्रिक्स हैं वो कैसी लग रही हैं, और हमारे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोनपाल की रसोई में, और आज हम बनाने वाले हैं मथुरा के स्पेशल पेड़े। तो जैसे कि आपको पता है कि जन्माष्टमी आ चुकी है और कृष्ण भगवान को ये पेड़े कितने पसंद है, तो इसकी रेसिपी देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने खाने वाले 3 चम्मच जिसे हम खाना खाते हैं नॉर्मली उससे 3 चम्मच मैंने घी लिया है, 200 ग्राम मैंने यहाँ पे लिया है मिल्क पाउडर, तो ये लगभग 2 कटोरी के करीब है। तो आप 2 कटोरी या 2 कप जैसे भी आपको नापने में लगे आप ये भूनने के लिए इसमें डाल दें एक पैन में, और इसी तरह से लगातार चलाते रहें। तो जब तक इसे तब तक चलाना है कि हल्का ये ब्राउन ना हो जाए, हल्का इसमें ब्राउन कलर आने लग जाएगा। ये पेड़े जो बनने वाले हैं सिर्फ इसे मिल्क पाउडर से बनेंगे, थोड़ा सा हम इसमें मिल्क भी यूज़ करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं इसमें, ना ही तो कोई कंडेंस मिल्क डाल रहे हैं, ना ही हमने प्रॉपर जो मिल्क लिया है या फिर खोया लिया है, बस हम घर पे ही ये खोया बनाएंगे, घर पे ही ये पेड़े बनाकर तैयार करेंगे। और अगर आपको ये डाउट है कि आप बाहर से खोया लेके आ रहे हैं वो फ्रेश है या नहीं है, या फिर किस तरह से वो कैसे बनाया गया है, तो आप इसी तरह से आप घर पे ही खोया बना सकते हैं। तो धीरे धीरे मैं क्या कर रही हूँ, बीच बीच में घी डाल रही हूँ जैसे मुझे लग रहा है कि नीचे चिपक सकता है। तो आप देखिए बस जैसे जैसे नीचे लगे आपको चिपक रहा है थोड़ा सा घी डालते जाएं, बहुत ज्यादा घी भी ना डाल दें क्योंकि बाद में आपको लड्डू मारने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को जरूर प्रेस कर दीजिए। तो फिर से मैंने क्या किया, इसमें थोड़ा सा घी और डाल दिया है। तो इसी तरह आपने थोड़ा थोड़ा घी डालना है और देखते रहना है कि बहुत ज्यादा चिपके नहीं और बहुत ज्यादा घी वाला भी ना हो जाए, फिर लड्डू नहीं बनेंगे इससे, पेड़े नहीं बनेंगे। तो इस तरह से आप एक बार नीचे स्पैचुला को प्रेस करते हुए इस तरह से दबाते रहिए और इसे बस लगातार चलाते रहना जब तक हल्का हल्का ब्राउन कलर ना आए। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ दूध, अगर आपको दूध ऐसे नहीं डालना है तो आप इसे लगातार चला के एकदम डार्क ब्राउन कलर कर लें, और उसके बाद जब लड्डू या फिर पेड़े आपको बांधने हो तब आप उसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालते रहें। पर मैं यहाँ पे पहले ही दूध डाल रही हूँ क्योंकि मुझे क्या लग रहा था कि थोड़ा सूखा ज्यादा हो रहा है और उसमें लड्डू मारने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो उसका टेस्ट एक जैसा सा नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैंने एक जैसा बनाने के लिए, इसे कि लड्डू हमारे पेड़े हमारे एक जैसे बने, तो इसी तरह मैं इसे मिक्स कर लिया है और दूध डाल लिया। तो आप देख रहे हैं कि एकदम पतली कंसिस्टेंसी इसकी आ गई है, इतना पतला गाढ़ा हो चुका है ये। तो इसे हम लगातार चलाते रहेंगे और हम इसे गाढ़ा करेंगे। तो देखिए हमने काफी देर चलाने के बाद में ये काफी गाढ़ा हो चुका है, बस इसी तरह का ही आपने इसे रखना है इससे ज्यादा। अब जब इसे फ्रिज में रख देंगे तो आप ये ऐसा बनकर तैयार हो जाएगा। अब इसमें मैंने डाल दिया है इलायची पाउडर, 2 चम्मच मैंने इसमें डाल दी है पीसी हुई शुगर, नहीं तो आप कैस्टर शुगर जो मार्केट में मिलती है वो भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप नॉर्मल शुगर को पीस कर उसे भी घर पर आप तैयार कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स करने हैं,
तो आप बीच में टेस्ट करके एक बार देख लीजिए, अगर आप भगवान के लिए बना रहे हैं तो जरूर टेस्ट ना करिए। तो आप एक बार अंदाजे से देखिए कि आपको कितनी शुगर आपको चाहिए। जैसे इसमें 3 चम्मच के करीब शुगर लग चुकी थी और यहाँ पे मैंने ले लिया है वही शुगर नॉर्मल, और उसमें डाल दिया था मैंने खोपड़ी का बुरादा, डेसिकेटेड कोकोनट जिसे बोलते हैं। ये आप घर पे भी बना सकते हैं। घर पे कैसे बनाएंगे आप, घर पे जो गोला आता है उसका ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ब्लैक, वो निकाल देना है और उसे मिक्सी में पीस लें सिंपल, या फिर कद्दूकस कर लें, तो उससे भी क्या होगा इजीली आपका डेसिकेटेड कोकोनट घर पे तैयार हो जाएगा। तो बस ये मैंने पेड़े बना लिए हैं और इनको मैंने कोट कर लिया है, ये जो मैंने कोकोनट का और शुगर का जो मैंने मिक्सचर बनाया था। तो अब बस देख रहे हैं इस तरह के पेड़े बनाकर आप भी भोग चढ़ाइए कृष्ण जी को, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। चलिए हम आटे को इसको सेक रहे हैं, अब मध्यम आंच पे सेकना है, मीडियम पे, हल्का ब्राउन नहीं हो जब तक हम सेकेंगे इसको अच्छे से। और फिर इसके बाद में ड्राई फ्रूट वगैरह और ये चीनी ऐड करेंगे। इसको हम अच्छे से सेक लेते हैं पहले, फिर उसके बाद में हम ड्राई फ्रूट चीनी बाद में ऐड करेंगे। गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब तक हम इसको पकाएंगे। होने के बाद इसको खुशबू आएगी, खुशबू आई तब हम थोड़ा मध्यम आंच पे इसको थोड़ी देर और चलाएंगे। चलिए हमारी ये पंजीरी जो है गोल्डन ब्राउन हो गई है, अब हम इसको गैस बंद कर देते हैं और ठंडा होने तक हम इसको छोड़ देते हैं 10 मिनट के लिए। जब ये ठंडा हो जाएगी, पंजीरी ठंडी हो जाएगी, उसके बाद ही हम ये डालेंगे। ध्यान रखिए अब ये ठंडा हो चुका है, अब ये सब ड्राई फ्रूट ये हमें इसे ऐड कर देंगे। जितना आटा लिया है जितनी हमने चीनी ली है, तो हम मिक्स कर लेंगे इसको। चलिए हमारी ये पंजीरी बनकर रेडी हो गई है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमें फॉलो करना और लाइक करना। बाय बाय। तो देखिए हमारी आटे की पंजीरी बनकर तैयार हो गई है। इसी तरह की रेसिपी देखने के लिए आप सोनपाल की रसोई को जरूर फॉलो कीजिए। इसके साथ साथ अभी हम बनाने वाले हैं पंचामृत की रेसिपी। पंचामृत भी प्रसाद के साथ रखना जरूरी होता है, जैसे कि बुद्ध पूर्णिमा है या सत्यनारायण व्रत की अगर आप पूजा करते हैं उस टाइम पे आप ये पंजीरी और चरणामृत बना के जरूर प्रसाद में रखिए। पंचामृत पैन बनाने के लिए मैंने ले लिया है 1 कप रूम टेम्परेचर मिल्क और 1 कप ही मैंने दही लिया है। पैन मैंने ले ली है शुगर और मखाने लिए हैं, फॉक्स नट भी बोलते हैं जिन्हें, ड्राई फ्रूट्स लिए हैं और थोड़ी सी चिरौंजी और हमने थोड़े से तुलसी के पत्ते लिए हैं। अच्छा जितने भी हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं मखाने हैं इन्हें आप ड्राई रोस्ट कर लें अच्छे से और फिर इन्हें कट कर लें, देन हम इन्हें इसमें पंचामृत में ऐड करेंगे। अब हमने मिल्क में शुगर ऐड कर दिया है, इस शुगर को हमने इसी तरह से ही मिक्स करना है। अगर आपको लग रहा है तो आप कैस्टर शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, वो ईजिली मेल्ट हो जाएगी, ईजिली इसमें घुल जाएगी। तो अभी हम जो इसमें यूज़ किए नॉर्मल शुगर यूज़ किए, आप इसे अच्छे से मिक्स करें और जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं उनका जो टेस्ट आएगा, क्योंकि वो नट्स हमने ऑलरेडी इनको थोड़ा रोस्ट किया है तो उनका क्रंचीनेस काफ़ी अच्छा आएगा, काफ़ी अच्छा लगेगा टेस्ट में। तो ये जो पंचामृत एक सिर्फ प्रसाद की तरह आप यूज़ कर सकते हैं, बट आप ऐसे भी घर पर बनाकर यूज़ करेंगे तो भी काफ़ी अच्छा टेस्ट देता है, ये श्रीखंड जैसा ही टेस्ट देता है। देन मैं इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ,
तो आप जो ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल है घर पे, या फिर आपको लग रहा है कि हम और भी कुछ ऐड करना चाहते हैं, आप वो ड्राई फ्रूट्स ऐड कीजिए। मखाने ऐड करना जरूर ऐड कर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं, क्योंकि मखानों का जो टेस्ट आएगा उसमें थोड़ा सा सफ़ी हो जाएंगे मिल्क में, जैसे सॉक होंगे वो, उसका काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा। तो मखाने भी आप इसमें ऐड जरूर करें। इसी तरह से हमें धीरे सारे हमारी रेसिपी, हमारे जितने ड्राई फ्रूट्स हैं, जितने इन्ग्रीडियंट्स हैं हमारे, सारे इसमें ऐड करते जाएँ। शुगर मिक्स हो चुकी है ऑलरेडी, एक्स्ट्रा ज़्यादा शुगर ना ऐड करें, थोड़ी नॉर्मल शुगर ही रखें, उससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा इसका। देन इसमें हम ऐड करें तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्ते आप जानते हैं कितने मैंडेटरी हैं, जब आप अगर व्रत रख रहे हैं या फिर भगवान को प्रसाद चढ़ा रहे हैं, तो तुलसी के पत्ते और गंगा जल हैं। गंगा जल मेरे पास नहीं अवेलेबल था तो मैंने इसमें नहीं ऐड किया। अगर आपके पास भी नहीं है तो आप थोड़ा सा पानी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि 5 इंग्रेडिएंट्स आपको करने होते हैं, पंचामृत जैसे कि नाम है इसका। ये काफ़ी अच्छा रहता है, हेल्दी भी रहता है, आप इसे यूँ भी खा सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप प्रसाद में बनाकर ही सर्व करें या प्रसाद में बनाकर ही भगवान को चढ़ाएं, और देन आप यूँ भी घर पर बनाकर इसे खाइए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। देन दही जो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, वो मैंने चिल्ड दही लिया है, ठंडा दही लिया है, थोड़ा गाढ़ा दही होना चाहिए हल्का सा। तो इसे फिर से मखानों को और जितने भी हमने ड्राई फ्रूट्स ऐड किए हैं इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है, अच्छे से इनको कंबाइन कर लेंगे। और जो हमारे मखाने सोक, इस बिल्कुल थोड़ी देर सोक कर लेंगे, जैसे 1 मिनट के लिए आप रख देंगे इसे, तो ये काफ़ी और फ्लफी हो जाएंगे, काफ़ी इसका जो मिल्क है वो अब्जॉर्ब करेंगे ये, तो मखाने काफ़ी अच्छा टेस्ट देंगे इसमें। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने रेडी कर लिया है, इसमें आप ड्राई फ्रूट जितने चाहें उतने ऐड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। फिर मैं इस मिक्सचर को हम ऐड कर दूँगी दही के अंदर। दही में ऐड करने के बाद में इसे 1 मिनट के लिए मिक्स करेंगे, देन ही हमारा पंचामृत बनके रेडी है। तो आप इसे सर्व कर सकते हैं, चिल्ड सर्व करें, और इसे प्रसाद के साथ, जैसे कि पंजीरी की रेसिपी हमने शेयर की है, पंजीरी और पंचामृत दोनों ही प्रसाद में आप बना के रखिए, तो प्रसाद भगवान को चढ़ाइए। इसी तरह की रेसिपीज देखने के लिए जरूर फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलिए, इससे जब भी हम नई वीडियो पोस्ट करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, उससे आप न्यू हमारी वीडियोस जो भी हम अपलोड करेंगे वो देख सकेंगे। तो इसी तरह की रेसिपीज अगर आपको लग रहा है कि आप कुछ एक्स्ट्रा कुछ अलग देखना चाहते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप नेक्स्ट रेसिपी क्या देखना पसंद करेंगे, और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। और अगर इसे गार्निश करना चाहते हैं आप, अगर आप सर्व कर रहे हैं, अगर गार्निश करना चाहते हैं तो हल्के से ड्राई फ्रूट के साथ या हल्के से तुलसी के पत्ते भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, उससे भी गार्निश करिए। सो बन के रेडी है हमारा पंचामृत। ओके गाइस, बाय बाय।